समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। जब 1858 में केशव चंद सेन ब्रह्म समाज के आचार्य के पद पर नियुक्त किए जाते हैं तो ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। केशव चंद सेन ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की भी यात्रा करते हैं। इसी चरण में वो महाराष्ट्र की भी यात्रा करते हैं। जब केशव चंद सेन महाराष्ट्र की यात्रा करते हैं तो उनके विचारों से महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से जब वो प्रभावित होते हैं तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। तो केशव चंद सेन के विचारों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुकर ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, यानी कि पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत का मतलब है कि जो आपका इंडिया है, इंडिया के यानी कि वेस्ट इंडिया का पुनर्जागरण का, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। जो सुकरात थे वो आपके जो प्लेटो हैं, प्लेटो के गुरु थे। ये आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं, कुछ थिंकर पढ़ते हैं, तब आपको प्लेटो के बारे में और सुकरात के बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है, ठीक है। 1884 में महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो आपके महादेव गोविंद रानाडे ने की थी और महाराष्ट्र में की थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो आपके महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुकर करते हैं, 1867 में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, और केशव चंद सेन के विचारों से प्रभावित होकर करते हैं, ठीक है।